আমির খান প্রথম ওভারের জন্য আমির খান একটু বোলিং দেখি আমির খান বাবা রে বাবা বয়ময় করবি যাই নাকি কি লিমিট পেস আছে লিমিট পেস আছে ওভার লিমিট বলতে বলতে পরে বল আর চার রান কিন্তু ওয়াইড বল ওয়াইড এবং এক্সট্রা চার রান টোটাল পাঁচ রান যুক্ত হবে সেই মালদা টিমের খাতায় কিন্তু হবে সেই মালদা টিমের ক্যাপ্টেন কিন্তু হবে সেই ব্যাটসম্যান দেখা যাক পরে বল বল প্রান্ত থেকে আমির খান পরে বল আবারও কিন্তু সুন্দর জায়গায় বল রেখে দিলেন ব্যাটসম্যান সুমন কিন্তু বাইরে পড়ে একদম সঙ্গে ফোটাতে পারেনি ডট বল দেখতে পাচ্ছি আমরা আমির খান থেকে 700 রান দিয়া ধাউকা সামনে বলেবাজ पहले ओवर के समाप्ति पर रन संख्या 14 चौदह रन प्रथम ओवर है से दो विकेट के नुकसान पर 14 रन दूसरा ओवर लेकर आए हैं महेश्वर है गेंदबाज करेंगे कहां रखेंगे इनको गेंद ये भाई साहब वो देखते रह गए गेंद को बल्ला काफी पीछे रह गया था उनका दूसरा अपील आमिर खान की अपील करी थी लेकिन अपील आप कर सकते हैं लगा है दादाई कहाँ लगा है ये अंतर साहब ने नकार अंतर साहब नॉट इंटरेस्टेड ये भाई साहब ये लगा है एकदम ये बल्ले के बीच से लगा है बल्ले से अच्छा साउंड भी आया है और गेंद को आउट ऑफ द ग्राउंड भी पहुंचा है आवड़ा था ओए सामने करो दुगा भाई बोलता और ये मालदार टिप्स देते हुए अपने कप्तान अपने बॉलर को टिप्स देते हुए जल्दी अब बॉलर को टिप्स देते हुए और ये गया विकेट ये भाई साहब ये ग्लैमरस शॉट है दादा ये स्पेक्टाकुलर शॉट है थ्रू द बैट्स ऑफ सौरभ द मैन फ्रॉम कराईकल अच्छी बल्लेबाजी करने से जाने जाते हैं और इनको पैडल शॉट लगाया था ना बड़ा तो बेस्ट शॉट पहला पैडल शॉट जो बेस्ट शॉट था वो नयन ने बल्ले से दूसरा ये खूबसूरत अंदाज में सौरभ के बल्ले से मैच का फायदा लूडू को लिए और से आमिर खान के अंदर के बैटर थे सुमन चलते चलते प्रथम बॉल लगता है सारा वाइड बॉल ये वाइड डाल दिया आप इस गेंद को आमिर जी सामने खतर गेंदबाज आमिर खान क्या चल पाएंगे सीधा सान দেখলে
বলতে বলতে চলে বল আবার আছে মনন্তন ভঙ্গিতে খেলার চেষ্টা ছিল কিন্তু সমান কোন রকম ভাবে ব্যাটে বলে সঙ্গে পড়াতে পারছেনি পার্ক দুটি ডটবল দেখতে পাচ্ছি আমরা সেই আমি খানের কাজ করছি পরে বল সাদ এবং তারা সুমনের পাঠ থেকে নাসির জিরো থিং লাইক গো অন পিজে इन यूट्यूब पे बोलो बॉल लाइक ऑन और कमेंट करिए जल्द से जल्द थैंक यू लेकिन नहीं निकलने देंगे दादा सीना तान खड़े जवानों की तरह इंडियन आर्मी के जवानों की तरह बॉर्डर पर सीना तान खड़े माय गॉडनेस ये भाई साहब शॉट नहीं है ये शॉट ऑफ द मैच है एंड फंगा कर भैया एंड बहुत खूबसूरत शॉट ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम द बैक सुनो इसी के साथ ओवर कर लिया गंदा इसी के सर अब अरे बॉटम बॉल चार रन फायर ने हाथ छोड़े मूल्यवान चक्की रन शूट तो होवे से सोरों के खाता है देखा जा चोरे बॉल चलते बॉटम इनिंग फिर सरदार एक्स्ट्रा की थोड़ी पर कुछ नहीं करेंगे आश्रम में तो जिम रेडी रहती है अरे तो रे हाइरा पड़ा और झाड़गा मेरो आस्था आज के ना बंदा टाइगर नंबर बाल दे हमारे फोन नंबर है ये कवर से फील्डर आमिर खान गेंद को रोकेंगे अपने बाजुओं को थोड़ा सा थोड़ा भाई भाई पहुंच सकते हैं आप तो मुझ खाते ये बॉल का खेलने बारे नहीं लड़की मर रही है सबसे इसी के साथ गुड बॉल मास्टर राउत फाइव स्टार दे दी थी सेवन स्टार दिया था नाइन स्टार कर दी अच्छा थ्रो रोक के रखा है सामने सौरभ को इसी के साथ ओवर की समाप्ति चार ओवर के समाप्ति पर रन संख्या 41 इन द लॉस ऑफ टू विकेट जी ये बाहर की तरफ करने का प्रयास ये अच्छी नहीं चल रही है तो यहाँ पर परेशान कर सकते हैं जो ज्यादा विराट कोहली का भी वीक जोन है यहाँ पर जो गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है बल्लेबाज परेशान हो जाता लग रहा है यहाँ पर विकेट की अपील कर रहे हैं मुझे लगता है एनपीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं मुझे लगता है एक अच्छी अपील अच्छा लगा स्ट्राइक पर सुमन है भारी मात्रा में दूरी दूरी के काफी दर्शक इस मैदान में पधारे काफी अच्छा लग रहा है ओइडे और जेंट्स सपोर्टर के साथ फीमेल सपोर्टर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर थैंक यू सो मच काफी अच्छा लग रहा है आपकी सभा आपने हिमाचल बहुत प्रस्तुत हो गए खूब भरो लक्ष्य दोही जुड़ी सेवन स्टार ऑर्गेनाइज वन ब्यूटीफुल एंड वन ग्लैमरस नाइट शॉट क्रिकेट टूर्नामेंट इन दिस ग्लैमरस सी इन दिस ब्यूटीफुल ग्राउंड वो भाई साहब एक चाटा सा लगाया सुमन जी ने गुस्से में वो भी वो किरण पोलार्ड के तरह कैरिबियन प्लेयर के तरह गुस्से में डरा है और गेंद को सीमा रेखा पार फंसा है रन मिलेंगे चार एफ ओ यू आर अब जोरे कर बे खानो जरे 49 रन पांच ओवर के समाप्ति पर रन संख्या 49 अंतिम छह गेंदे कौन डालेगा ये अंतिम छह गेंदे
एससी का बल्ला सामने बल्लेबाज ये भाई साहब आप ओवर स्टेपिंग का प्रयास कर रहे हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, लेकिन गेंद को बल्लेबाज विप्लव देखते रह गए। शॉर्ट बॉल सिंधी गेंद अच्छे बारिश ये देखिए लपकने का प्रयास तो किया था, लेकिन एक अच्छा क्षेत्र रन बचाए, तीन रन बचाए अपने टीम के लिए। रोकी देखते লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে भाई साहब ने बल्लेबाज ने इस्तेमाल किया था, कैच अपील कर रहे थे, लेकिन गेंद गिरी थी नो मैन्स लैंड में। अच्छा शॉट, ये भाई का थोड़ा सा पास थोड़ा सा खेला था, नॉन साइड के जो बल्लेबाज थे वो रन नहीं लेना चाह रहे थे, गेंद गैप में थी, गेंद सीमा रेखा पार बॉल नहीं थी लगा। अच्छा शॉट, एक अच्छा दिशा में खेला है। अच्छा शॉट, ये भाई साहब ये थोड़ा सा गेंद को गैप में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझदार बैट्समैन है, ज्यादा एक गैप ढूंढना जानता है ये महेश्वर, थोड़ा सा प्रेशराइज रखते हुए गेंदबाज वाली टीम छोर बदलेंगे क्या, नॉन स्ट्राइक बैट्समैन नॉन इंटरेस्टेड, पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 8, द लॉस ऑफ 0 विकेट। सामने दाएं हाथ के गेंदबाज उनके सामने बयान से बल्लेबाज भाई दाएं हाथ के गेंदबाज का सामना करेंगे, तारकिन के अंदर की तरफ लाएंगे, क्या क्या परेशान करेंगे सामने सम्राट को, एक हाथ से पकड़ा है सुमन, इस फॉर स्मार्टी सुमन, स्मार्टी अंदाज में कैच को पकड़ा है, क्विंटन डीकॉक के तरह नहीं दादा, केएल राहुल के तरह बाएं हाथ से कैच को पकड़ा है, द फैंटास्टिक कैच बाय द सुमन, सुमन की किंतु भूले गए हाथ में सुमन ने अनुमोद का इनिंग देखे कि हम आगे इनिंग से रिवर्स हिट देखे कि तार कैच के क्रैक शॉट देखे कि
सम्राट जी का दूसरी गेंद क्या करेंगे, अरे सम्मान दिया है सुंदर बॉल देखते पक्षी हम लोग सुंदर बॉलिंग जेटा पापो जेटा सुंदर बॉल सम्मान विजय होते थे बैट्समैन के भाई साहब। ये बाबा राजन के तरह ड्राइव लगाया था खड़े खड़े, लेकिन सीधा कवर से फिंगर में हाथ को बी फॉर बाबर और बी फॉर बाबाई, और वो कवर ड्राइव भी बाबा राजन के तरह लगाया था, लेकिन वो सीमा रेखा पार नहीं पहुंचे, लेकिन एक अच्छा कवर ड्राइव। जो हेडऑफ के जो फील्डर है ना उनके काफी ऊपर से गेंद सीधा सीमा रेखा पार पहुंच रही है। वन मोर बाउंड्री दो ओवर के समाप्ति पर रन संख्या अंपायर जाने दिले डिप्लेनिंग से द्वितीय ओवर रेखा से दो ओवर से एक विकेट विनिंग हुए दलिए रन संख्या पार है मालदा टीम रन संख्या बारो मालदा टीम लक्ष्य मात्रा रही है कि तिप्पन्न रान गेंदबाज दूसरा में सामने महेश्वर महेश्वर का कवर ड्राइव बेहतरीन कवर ड्राइव ये देखिए थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं महेश्वर से और विकेट कीपर सुबह थोड़ी सी बातचीत करेंगे विक्रम जी से रखेंगे इनके दूर रखने का थोड़ी सी बातचीत करेंगे इनको खेल को दूर रखिए वरना घातक मोड़ पर चले जाएंगे ये बल्लेबाज सीधा अच्छा खेलते हैं ये देखिए थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास वन मोर टाइम डिप्लॉप इज ऑन फायर बोल सकते हैं आप सामने महेश्वर को साथ रखा तक दो गेंदों पर चलिए भाई साहब ये गिर के तो रोका है कैसे भी रोके गिर के रोके पढ़ के रोके लेकिन बाउंड्री नहीं जाना चाहिए वो कंगारूस के तरफ फील्डिंग कर रहे दादा जैसा कि इट्स नो बॉल नो बॉल का इशारा अंपायर महोदय द्वारा इट मींस एक रन मिलेगा दादा और इस गेंद को फिर से डालिए जैसा कि हम सभी को देखने को मिला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो कंगारू की घातक फील्डिंग सामने मैन इन ब्लू को परास्त किया उन्होंने वाइड वन अगर नो बॉल विप्लव की नो बॉल एक और नो बॉलर विप्लव के फेस में स्माइल आती हुई 53 का टारगेट है तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ अच्छा शॉट मिस किया दादा ये रन नहीं लिए चार रन दिए आपने बार थोड़ा बाजू को खुला था लेकिन सीधा मिड ऑन के फील्डर संदीप के हाथ में अच्छी गेंद बाकी करी थी पहले ओवर में उन्होंने के साथ ओवर की समाप्ति तीन ओवर के समाप्ति पर रन स्कोर इज हाउ मच सर 18 रन इन द लॉस ऑफ हाउ मेनी विकेट इन द लॉस ऑफ वन विकेट 18 रन तीन ओवर के समाप्ति पर किस्मत लक को बांध के नहीं लेकर आए थे गेंद कहां जाके सीधा विकेट पर टचअप इट्स बैड लक कुछ नहीं कर सकते सर पवेलियन की तरफ जाते हुए
धनंजय किसुलवा का नेक्स्ट स्टंप पड़ा है दादा गोल्डन डक की तरफ जाते हुए अब आ रहे हैं दादा वो क्या असरदार होने वाले हैं सामने संदीप जी के माथे पर दर्शक बाई चौका है टीम नीचे रह गई दादा प्रयास और गेंद को दादा मुझे लगता है कहां भेज रहा है झारग्राम केंद्रीय गेंद को गुमशुदा तलाश की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी झारग्राम पुलिस स्टेशन में अच्छा खूबसूरत सा कैच अब ऐसा व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस कैच है कि कंप्लीट नो डाउट ओके दादा ये हमारे अंपायर महोदय की निगाहें चीन की तरह है थर्ड अंपायर नहीं चाहिए उनकी आंखें चीन की तरह है नहीं कर सकते आप रन स्कोर 26 रन 26 फेमस है ये देखिए बाहरी किनारा गेंद को भेजा है एकदम सीमा रेखा पार वन मोर विकेट की और विकेट का पतन और सिक्स हेड आ जाता है निकला लेकर देखा भी क्या सोच रही है वो गेंद से भी कमाल दिखाता पल्ला भी घुमाना जानता है आमिर खान नाम है जो चलता हमेशा सीधा तान चौकी के साथ स्वागत किया है वो फाटक बिप्लव गेंदबाज का फुलटॉस गेंद को फुल तोड़ के लेकर आउट ऑफ द ग्राउंड सीमा रेखा पार भेजा था गेंद को तीन गेंदों पर तीन चौके लगाए और सामने कनाई पाल के दिग्गज गेंदबाजों को परास्त किया है नो बॉल का इशारा अंपायर महोदय द्वारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रनआउट मत हो जाने का बच्चा खेल रहे हैं आप एक रिसॉर्ट का प्रयास कर रहे थे ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 39 और कितने रन चाहिए सर 6 गेंदों में मेरा कैलकुलेशन मेरा मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है 53 माइनस 39 हाउ मच माइनस करे बोलो दर्शक 53 माइनस होने 40 कत है सुनते भाई ने जोरे बोले 14 रन थैंक यू सो मच सर गेंदों पर 14 रन चाहिए दादा किसकी बनेगी सरकार ये मंच बड़ा है सरपंच कौन बनेगा इसको मिलेगी हार और कौन बनेगा साम्राज्य खड़ा करेगा पर 14 रन चाहिए उसे भाई खेले मुकाबला बोले लगा
खेले ही नहीं करूंगा। और कोई नहीं खेल रहे हैं। सामने भाई राज की एक टू लेडीज से प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे के साइड में डाली जाएगी या बोलते लगे। बल्लेबाज ने वो रेस को जीता है, क्योंकि जब गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। जो जिंदगी है मेरी जान, मेहनत नहीं करेगा तो एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनेगा। आमिर खान इज ऑन साइड, थोड़ा सा समझ के लोग बात लेकिन छोर को बदलेंगे ये दोनों। चला सबसे खिलाड़ी इस नो बॉल, मतलब दो रन सर, दो रन चार चुका है दादा, चार के नंबर छह रन। आमिर खान का बल्ला माशाल्लाह, मदर के दौड़ा को चाहिए और तीन आने के रिजन, तीन आने के रिजन, तीन बॉल तीन रन, तीन बॉल तीन रन। फुटबॉल बोल दी चमक रहा है, थोड़ा सा समय लेंगे। ये भाई साहब अब तक टाई हो चुका है, एकदम 52 में पहुंच चुका है। एक रन दूर है। अमित जी चौके के साथ गेम को फिनिश करेंगे क्या आपको लगता है? Congratulations!